नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शुक्ला। स्वागत है आपका आज के बुलेटिन में। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। नरसिंहपुर में असली पुलिस की गिरफ्त में आई नकली पुलिस की टीम। मामला थाना कोतवाली का है, जहां क्षेत्र में एक माह से नकली पुलिस की टीम कर रही थी अवैध वसूली। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली अंतर्गत आने वाले ग्राम कुमडी के ग्राम के ही एक बुजुर्ग ने डायल 100 में शिकायत करते हुए बताया कि ग्राम ने विगत दिनों से एक बोलेरो गाड़ी जिसमें पुलिस मोबाइल जैसे यंत्र लगे हुए हैं, जो आए दिन तेज रफ्तार से ग्राम की तंग गलियों से गुजरती है, जिसमें पुलिसकर्मियों की टीम बैठी रहती है, आए दिन लोगों से अवैध रूप से पैसों की मांग की जाती है। डायल 100 की शिकायत पर तत्काल मौके पर पहुंची थाना कोतवाली पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी में नकली सब इंस्पेक्टर सहित एक महिला नगर सैनिक तथा ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। यह नकली एसआई पिछले जनवरी से लोगों को पुलिस की नौकरी देने लेने के नाम पर ठगी का शिकार बना रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से नकली आईडी कार्ड और वायरलेस सेट बरामद किया है। वह जल्द ही एक व्यक्ति इस मामले में शामिल होने की शंका जताई गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नरसिंहपुर से अस्सुनेमा की रिपोर्ट। गिरफ्तार हुए हैं, नकली पुलिस की कोई बात आ रही है? आज ग्राम कुमड़ी में सूचना मिली थी कि कोई पुलिस सब इंस्पेक्टर और एक महिला आरक्षक तथा मैं वाहन के और ड्राइवर भी हैं उनके पास, जो कि रात बिरात आते हैं। ये करीब एक माह से इनका क्रम चल रहा था, तो हमारी इसमें मुखबिरी लगाई गई थी। और जब ही ये पक्की सूचना मिली तो हमारे बल को हमने थाने से भेजा, तो एक सूरज कुमार ध्रुवे एसआई जिसमें लिखा हुआ है नेम प्लेट में और सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म में पकड़ा गया है। साथ में एक जानकी ठाकुर जो कि कुमड़ी की रहने वाली है, वो भी साथ में पकड़ी गई है। और एक उनके साथ गाड़ी का ड्राइवर है जो साथ में पकड़ा गया है। अभी ड्राइवर से पूछताछ की तो ये लगभग 20-22 हज़ार रुपये महीने की किराए से गाड़ी चला रहा है। बुलेरो गाड़ी है, जो पुलिस की गाड़ी होती है उसी तरीके की ये बुलेरो गाड़ी है, और उसमें नंबर भी MP 49 अर्थात नरसिंहपुर की पासिंग बताई है। इसमें एक एम्पलीफायर भी लगा है और उसके गाड़ी के ऊपर पुलिस जैसा हुटर भी लगा हुआ है। तो इसमें अपराध 400 420 और 171 अक्षर।